Dear students of class 10, today I'm going to start your history chapter number 5. And as you can see, the heading of the chapter is Alternative Ideas and Initiatives. Under this chapter, the first topic that we are going to discuss is the development of printing press in Bengal. Okay, to dekho, ye jo Bengal mein 19th century mein jo renaissance hua tha, ye renaissance ki piche ek बहुत बड़ा रोल प्ले किया था द प्रिंटिंग प्रेस. तो लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन विथ कि बंगाल में किस तरह से प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश हुआ और बाद में प्रिंटिंग प्रेस का जो विस्तार है, प्रिंटिंग प्रेस का जो बिजनेस है, उसका जो विस्तार है वो कैसे घटा. और देखो, प्रिंटिंग प्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले इसलिए करता है क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस का बढ़ने के साथ साथ लॉट्स ऑफ बुक्स केम टू बी पब्लिश्ड, लॉट्स ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स केम टू बी पब्लिश्ड. तो लोगों के अंदर जो लिटरेसी, लोगों के अंदर जो लोग जो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई लोगों के अंदर जो फैलने लगा, उसके पीछे लोग जो अपनी देश के बारे में और ज़्यादा जागरूक होने लगा, इसके पीछे प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट का एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है. सो कम लेट अस डिस्कस अबाउट हाउ द प्रिंटिंग प्रेस केम टू बी एस्टैब्लिश्ड इन बंगाल एंड हाउ द मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस एक्सपैंडेड इन बंगाल. देखो, शुरुआत में बंगाल की सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस कलकत्ता में 1778 में एस्टैब्लिश हुआ. और देखो, उस समय प्रिंटिंग प्रेस में क्या होता था, टाइप बनाया जाता था. जैसे इंग्लिश में है तो ए बी सी डी जेड तक उसका टाइप होता था और प्रेस के अंदर वो टाइप्स को, वो ब्लॉक्स जो होते थे, वो ब्लॉक्स को सेट करना पड़ता था अकॉर्डिंग टू द स्पेलिंग और फिर उसमें काली लगाकर उसको छाप देकर उसको छपा जाता था. तो इंग्लिश जो लेटर्स, जो इंग्लिश ब्लॉक्स होते थे, इंग्लिश लेटर्स के जो ब्लॉक्स होते थे, दैट वॉज देयर. बट बंगाली लेटर्स के ब्लॉक्स जो है, प्रिंटिंग के लिए जो बंगाली लेटर्स के बॉक्स जरूरी थे, वो सबसे पहले जिसने बनाया उनका नाम था चार्ल्स विल्किंसन. चार्ल्स विल्किंसन टुक द इनिशिएटिव टू प्रिपेयर बंगाली टाइपफेस, बंगाली लेटर का ब्लॉक्स बनाने का जो उद्योग था, बनाने की जो शुरुआत था, वो चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा किया गया था. लेकिन वो कारीगर जिन्होंने अपने हाथ से सबसे पहले बंगाली लेटर्स का ब्लॉक्स बनाया था, उनका नाम था पंचानन कर्मकार. तो चार्ल्स विल्किंसन ने ये बंगाली ब्लॉक्स क्यों बनाया, क्योंकि ये बंगाली ब्लॉक्स बनाकर उन्होंने बंगला भाषा की सबसे पहला ग्रामर बुक, जिसका नाम था अ ग्रामर ऑफ द बंगाली लैंग्वेज, ये बुक लिखा गया था बाय अनदर फॉरेनर जिनका नाम था हेल हेड. तो हेल हेड के द्वारा लिखा गया अ ग्रामर ऑफ द बंगाली लैंग्वेज, इस किताब को बंगाली में छपवाने के लिए चार्ल्स विल्किंसन पंचानन कर्मकार नाम की एक कारीगर की मदद से उन्होंने बंगाली अल्फाबेट के टाइप्स बनवाए. एंड दिस हैपेंड इन 1778. इसके बाद देखो, 1778 में जॉन एंड्रयूज नाम की एक आदमी हुगली में, हुगली जो हुगली जिले में, जो हुगली नाम की जगह है, वहां पर उन्होंने 1778 में एक प्रेस बनवाया था. और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया था, 1781 में ईस्ट इंडिया कंपनी चार्ल्स विल्किंसन का नेतृत्व में मालदा में एक प्रेस बनाया और वो प्रेस बाद में उन्होंने कैलकटा में शिफ्ट किया. ये जो सरकारी प्रेस था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ये सरकारी प्रेस था, इस प्रेस की नाम था ऑनरेबल कंपनीज प्रेस. लेकिन देखो, बंगाल में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, किताब छपवाना, प्रेस बनाना, किताब छपवाना, अखबार छपवाना, इस दिशा में जिन्होंने सबसे ठोस कदम शुरुआती दिनों में उठाए थे वो था श्रीरामपुर मिशन प्रेस. ये श्रीरामपुर मिशन प्रेस जो है, ये 1800 में विलियम केरी के द्वारा
ये श्रीरामपुर मिशन प्रेस बनाया गया था। बाद में ये प्रेस बहुत जल्दी सिर्फ इंडिया की नहीं एशिया का सबसे बड़ा, उन दिनों ये श्रीरामपुर मिशन प्रेस जो था वो उन दिनों एशिया की सबसे बड़ा प्रेस होकर वो सामने आया। ये प्रेस जो है इनके द्वारा छपवाया गया सबसे पहला जो किताब था वो बाइबल का बंगाली वर्शन। इसके अलावा ये प्रेस बंगाली में जो हमारे हिंदुओं की क्लासिकल बुक्स है रामायण और महाभारत, और दूसरे भाषाओं में भी, इंडिया के दूसरे भाषाओं में भी कई सारे किताब इस प्रेस से छपने लगा। ये प्रेस से काफी सारे पढ़ने लिखने का टेक्स्ट बुक्स, अखबार, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स भी इस प्रेस से छपे। आने वाले समय में दूसरे कई सारे यूरोपियंस जैसे गिलक्रिस्ट एंड विलियम हंटर, ये दोनों मिलकर हिंदुस्तानी प्रेस, मैथ्यू लैम्पसन ने पर्शियन प्रेस, लेवांते नाम के एक इंसान ने वो भी, तो इस तरह से कई सारे यूरोपियंस आगे आए एंड वन बाय वन मेनी अदर प्रेसेस केम टू बी एस्टैब्लिश्ड इन बंगाल इन द रीजन अराउंड कोलकाता इन द 1800s। तो देखो प्रेस बनाने में शुरुआत जरूर यूरोपियंस की हाथों से हुआ था लेकिन इंडियंस भी पीछे नहीं रहे। काफी जल्दी अ लॉट्स ऑफ बंगालीज आल्सो केम फॉरवर्ड टू एस्टैब्लिश देयर ओन प्रेस। और इनमें जिस व्यक्ति का नाम सबसे पहले लिया जा सकता है उनका नाम है गंगा किशोर भट्टाचार्य। गंगा किशोर भट्टाचार्य ने 1816 में ही एस्टैब्लिश्ड हिज प्रेस, और इस प्रेस में उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ बुक्स, स्कूल और कॉलेज के लिए लार्ज नंबर ऑफ बुक्स उन्होंने छपवाया। देखो 19th सेंचुरी में जैसे जैसे भारत में वेस्टर्न एजुकेशन का डिमांड बढ़ता गया, इंग्लिश स्कूल कॉलेजेस जैसे जैसे स्थापित होता गया, तो नेचुरली स्कूल कॉलेज में यूज किए जाने वाले किताब और गाइड बुक्स का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। इसके अलावा जैसे जैसे लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे होने लगे तो स्टोरी बुक्स, कविताओं के किताब, म्यूजिक के ऊपर किताब, धर्म ग्रंथ, ठीक है, वर्ल्ड लिटरेचर के जो बड़े बड़े किताब है उनका बंगाली ट्रांसलेशन, ट्रेवलॉग मतलब घूमने के ऊपर जो किताब है, मेडिकल बुक्स है कि नहीं, दवाई के ऊपर जो जो किताब है, डिक्शनरी, हर एक तरह का किताब का डिमांड 19th सेंचुरी में धीरे धीरे बढ़ने लगे और इस तरह का किताब ढेर सारे नंबर्स में छपने लगे। इसके साथ साथ देखो 19th सेंचुरी में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स भी छपने लगे, तो प्रेस बिकेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा देखो जो कलकत्ता में अंग्रेजों के आने के साथ जब अंग्रेजों का व्यापार का विस्तार होने लगा तो लॉट्स ऑफ ऑफिसेस एंड कंपनीज केम टू बी एस्टैब्लिश्ड इन बंगाल एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये जो ऑफिसेस, बिजनेस ऑफिसेस, बड़े बड़े दुकान और कंपनीज बने, उनको बिल्स का जरूरत था, तो बिल बुक वगैरह जो होता है वो भी इन प्रेसेस में छपने लगे। तो नेचुरली प्रेस बिकेम, प्रिंटिंग प्रेस बिकेम अ वेरी गुड बिजनेस वेंचर। प्रिंटिंग प्रेस बनाकर लोगों को लगा कि अभी जो व्यापारी थे, यू नो बिजनेसमैन थे, उनमें कई लोगों को लगा कि प्रिंटिंग प्रेस बनाकर अभी अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो इसीलिए पहले पहले जो प्रेस था वो यूरोपियंस के द्वारा बनाया गया था, लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस बिकेम प्रॉफिटेबल, जब प्रिंटिंग प्रेस की जरूरत ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लगा, प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस जैसे प्रॉफिटेबल होने लगा, तो काफी सारे इंडियंस केम फॉरवर्ड टू एस्टैब्लिश देयर ओन प्रेस। इसमें सम ऑफ द फेमस प्रेसेस वेर चंद्रिका प्रेस, जो कोलुतोला नाम की जगह पर, कलकत्ता की कोलुतोला नाम की जगह पर बना था, मुंशी हिदायतुल्ला नाम के एक इंसान का प्रेस उस वक्त काफी फेमस था, बाबूराम हैड एस्टैब्लिश्ड हिज प्रेस जिसका नाम था संस्कृत प्रेस, लल्लू लाल ने पोटोलडांगा, कोलकाता की पोटोलडांगा नाम की, पोटोलडांगा एरिया में लल्लू लाल नाम की एक आदमी भी अपना प्रेस बनवाए थे।
इसके अलावा देखो ईश्वर चंद्र गुप्ता, दुर्गाचरण गुप्ता, नृत्यलाल शील, बेनी माधव दास, मथुरानाथ तर्करत्ना, दीनानाथ मुखोपाध्याय, राजकृष्ण रॉय, प्यारी मोहन बागची, कृष्ण गोपाल भक्ता, दीस पीपल ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड अ लार्ज नंबर ऑफ प्रेसेस केम टू बी एस्टैब्लिश्ड बाई दीस पीपल इन द रीजन इन एंड अराउंड कोलकाता। कोलकाता के बाहर बंगाल के दूसरे इलाकों में भी धीरे धीरे प्रेस एस्टैब्लिश होने लगे। जैसे रोंगपुर, रोंगपुर अभी बांग्लादेश में है, उस समय बंगाल के अंदर था, तो रोंगपुर में 1847 में बर्ता बार्ता बहो जंत्रो नाम की एक प्रेस एस्टैब्लिश हुआ। 1856 में ढाका में ढाका प्रेस बना और अमृता बाजार पत्रिका जो एक बहुत फेमस अखबार था उस समय की, जो बाद में कलकत्ता से छपता था, लेकिन अमृता बाजार पत्रिका शुरुआत में फरीदपुर जो अभी बांग्लादेश में है, फरीदपुर की एक प्रेस से अमृता बाजार पत्रिका शुरुआत में छपने लगा था। तो इस तरह से प्रेस की शुरुआत अंग्रेजों के हाथों से हुआ, लेकिन बाद में इंडियंस ऑल्सो केम फॉरवर्ड टू एस्टैब्लिश अ लार्ज नंबर ऑफ प्रेसेस। तो प्रेस का डेवलपमेंट जो है वो धीरे धीरे इंडियंस की हाथों से भी होता रहा। अब देखो जब हम प्रेस की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एक शख्स का नाम लेना बहुत जरूरी है, और उनका नाम है जेम्स ऑगस्टस हिकी, क्योंकि जेम्स ऑगस्टस हिकी के हाथों में इंडिया का सबसे पहला अखबार द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया केम टू बी पब्लिश्ड बाय जेम्स ऑगस्टस हिकी। तो जेम्स ऑगस्टस हिकी एक ओरिजिनली ही वाज फ्रॉम आयरलैंड, वो आयरलैंड के आदमी थे जो शिपिंग मतलब जहाज के कारोबार के साथ और जहाज के से मालों का लेन देन करना, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स थ्रू शिप्स, ये उनका ओरिजिनल व्यापार था। लेकिन 1775-76 में उनका बहुत बड़ा लॉस हो गया और ही फेस्ड लीगल एक्शन। किसी तरीके से वो अदालत के हाथों से बचते हुए वो कलकत्ता पहुंचे, और फिर कलकत्ता आकर 2,000 रुपया खर्चा करके, उन दिनों 2,000 रुपया वॉज ए वेरी बिग अमाउंट, 2,000 रुपया खर्चा करके उन्होंने 1778 में कैलकटा में एक प्रिंटिंग प्रेस बनाया। देखो ये जो प्रिंटिंग प्रेस जेम्स ऑगस्टस हिकी ने कलकत्ता में लगवाए थे, ये कलकत्ता का सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस था। द 1778 में जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा जो प्रिंटिंग प्रेस कलकत्ता में एस्टैब्लिश हुआ था, ये कलकत्ता का सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस था। देखो ये प्रिंटिंग प्रेस लगाने के बाद वो शुरुआत में क्या करते थे हिकी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ऑफिशियल पेपर्स और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इस प्रेस में छपवाना शुरू हुआ। लेकिन शीघ्र ही जेम्स ऑगस्टस हिकी को लगा कि भाई बंगाल में कोई अखबार नहीं है, तो अगर हम एक अखबार छपवाना शुरू करें तो इस व्यापार से, इस बिजनेस में काफी मुनाफा हो सकता है। तो उन्होंने इंग्लैंड की सरकार से अखबार छपवाने का परमिशन मंगवाया, और शीघ्र ही उन्हें ये परमिशन मिल गया। तो जेम्स ऑगस्टस हिकी एवरी सैटरडे, ये अखबार जो पहला वाला अखबार था, ये अखबार साल में हर दिन निकलता नहीं था, ये अखबार हफ्ते में एक दिन शनिवार को ये अखबार वो निकालते थे। तो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट से उनका ये प्रस्ताव को सहमति मिलने के बाद 1 जनवरी 1780 में उन्होंने सबसे पहला अखबार, ये जो बंगाल गैजेटी, इस अखबार का नाम था बंगाल गैजेटी, लोग इसको हिकीज गैजेटी बोलकर भी बुलाते थे, इसका जो पहला अखबार ये 1 जनवरी 1780 में ये अखबार छपा, ये अखबार छपना शुरू हुआ। देखो हिकी अपने अखबार में वो खुद यहां वहां घूमकर वो अपने अखबार के लिए खबर जुगाड़ते थे, तो उनकी अखबार में उन दिनों का जो व्यापार, ट्रेड एंड कॉमर्स का खबर छपता था, उन दिनों का सामाजिक जो घटनाएं घटता था उसका खबर छपता था,
विज्ञापन छपते थे, और ब्रिटिश सोसाइटी में जो स्कैंडल, जैसे आज की अखबार में भी छपता है ना कि कौन कौन फिल्म स्टार किससे शादी कर रहा है, किसका क्या हो गया है, तो इस तरह का ब्रिटिश सोसाइटी के जो स्कैंडल्स थे, ब्रिटिश सोसाइटी के जो स्कैंडल्स, वो भी इस अखबार में छपने लगे। इनफैक्ट इस अखबार में उस समय के जो गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, उनके बारे में भी कुछ बड़े ही गुप्त खबर, कुछ बड़े ही स्कैंडलस खबर उनके बारे में भी इस अखबार में छपा। तो ये अखबार, उनका जो अखबार है, ये अखबार जनरली उस समय के जो बिजनेसमैन थे और इंग्लिशमैन होते थे, वो इनका ये अखबार खरीद कर वो इन अखबारों को पढ़ा पढ़ा करते थे। जस्ट गिव मी ए मिनट्स टाइम, एक मिनट। ओके, तो देखो स्कैंडल जो अभी मैंने थोड़ा देर पहले बोला, स्कैंडल का मतलब होता है कांड। तो बड़े बड़े जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनके जो गलत कांड है, ऐसे कांड वो ढूंढकर इस अखबार में छपवाते थे। तो एक बार उन्होंने क्या किया, उस समय के जो गवर्नर जनरल थे वो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स का भी काफी गैर कानूनी कांड वो इस अखबार में छपवा दिए। देखो जब हिकी ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपनी अखबार छपवाने का परमिशन वो लिए थे, तो उस वक्त उन्होंने सरकार को प्रॉमिस किया था कि हम अपने अखबार में ऐसा कोई खबर नहीं छपवाएंगे जो खबर किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाए, किसी व्यक्ति की जो गुड नेम है, किसी व्यक्ति की जो रेपुटेशन है उसको हानि पहुंचाए, ऐसा खबर हम कुछ नहीं छपवाएंगे। लेकिन जब जब हिकी ने अपने अखबार में लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स की बीवी लेडी हेस्टिंग्स के संबंधित कुछ बड़े गुप्त कांड उन्होंने छपवाया, कंपनी की ऑफिशियल्स, ईस्ट इंडिया कंपनी की ऑफिशियल्स किस तरह का भ्रष्टाचार भारत में करते थे, जब हिकी अपने अखबार में इस तरह की खबरें छपने लगे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार उनके ऊपर बहुत गुस्सा हो गए। और सरकार ने क्या किया, 23 मार्च 1782 में जबरदस्ती उन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार, हिकी का ये कागज उन्होंने बंद करवा दिया, और हिकी का जो प्रेस था वो प्रेस के सारे मशीन्स सरकार हिकी से छीन लिया। तो इससे देखो हिकी का बहुत ज्यादा आर्थिक लॉस हो गया, नुकसान हो गया, हिकी करीबन बर्बाद हो गया, और मजबूरन उन्होंने उनका जो बंगाल गजीटी नाम की कागज था वो कागज शुरू होने की एक डेढ़ साल के अंदर अंदर ये कागज उनको बंद करना पड़ा। तो कागज जरूर बहुत जल्दी बंद हो गया, लेकिन हिकी रिमेन्ड द फर्स्ट मैन टू, ही वॉज द फर्स्ट जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, भारत के सबसे पहला पत्रकार हिकी थे। और एक चीज के लिए हिकी को हमें बढ़ाई करना पड़ेगा, वी मस्ट प्रेज हिम, बिकॉज हिकी जो उस समय के रूलर्स थे, जो उस समय के देश को चलाते थे, हिकी उनके हजारों दबावों के बावजूद हिकी उनके दबाव के सामने नहीं झुके। उनका प्रेस हालांकि बंद हो गया, लेकिन वो उस समय के जो रूलर्स थे, जो शासक थे इस देश के, उनके गलत कांडों को छपवाने से हिकी पीछे नहीं हटे। हालांकि इसके लिए उनको एक बहुत बड़ी कीमत देना पड़ा, और वो कीमत क्या था, उनका कागज बंद हो गया, उनको काफी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा। तो चलो ये वीडियो इतना तक रहने दो, आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियोज। ओके, थैंक यू सो मच।